उत्तराखंड में आज कोरोना के 287 नए मामले सामने आए, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से 21 मरीजों की मौत हो गई। वहीं आज उत्तराखंड में कोरोना से 1614 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज अल्मोड़ा में 13, बागेश्वर में 15, चमोली में 11, चंपावत में 26, देहरादून में 93, हरिद्वार में 44, नैनीताल में 7, पौड़ी में 9, पिथौरागढ़ में 37, रुद्रप्रयाग में 5, टिहरी में 13, उधमसिंह नगर में 6 और उत्तरकाशी में 8 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं आज उत्तराखंड में कोरोना से 21 मरीजों की मौत हो गई। इससे मौत का आंकड़ा बढ़कर के 6909 पहुंच गया है। वहीं कुल कोरोना मरीजों की संख्या 336153 हो गया, इसमें से 5277 केस एक्टिव हैं। ब्लैक फंगस, उत्तराखंड में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या हुई 369, अब तक 58 की मौत। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के साथ अब ब्लैक फंगस भी तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ब्लैक फंगस के 369 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक ब्लैक फंगस से 58 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बड़ी खबर रही है पौड़ी में सड़क हादसे का ब्लैक फ्राइडे, 3 दुर्घटनाओं में 18 घायल, 1 बच्चे की मौत। तो सड़क हादसे के लिहाज से आज यानी शुक्रवार पौड़ी के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। जिले में शुक्रवार को 3 अलग अलग सड़क हादसे हुए, तीनों हादसे में 18 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना मिली है कि 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, घायलों में भी कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं खबर है सीएम तीरथ सिंह के गंगोत्री से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज, कांग्रेस ने कहा हम तैयार। तो गंगोत्री विधानसभा सीट से विधायक गोपाल रावत के निधन के बाद यह सीट खाली चल रही है। ऐसे में उत्तराखंड की राजनीतिक गलियारों में सीएम के गंगोत्री से उपचुनाव लड़ने की चर्चाएं गर्म हैं। IMA POP यूपी के सबसे ज़्यादा GC उत्तराखंड के भी 37 कैडेट बनेंगे लेफ्टिनेंट। तो शनिवार 12 जून 2021 को भारतीय सैन्य अकेडमी से 341 भारतीय और 84 विदेशी कैडेट पास आउट होंगे। भारतीय कैडेट में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के 66 जेंटलमैन कैडेट शामिल हैं। उत्तराखंड के भी 37 कैडेट अफसर बनेंगे। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस हुई हमलावर, कुमाऊं मंडल में जोरदार प्रदर्शन। तो उत्तराखंड में कांग्रेस ने महंगाई को लेकर के राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार से महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की है। वही खबर है देहरादून से, देहरादून के सेंट्री शोरूम में लगी भीषण आग, दमकल की 11 गाड़ियों ने पाया काबू। तो देहरादून के किशन नगर में सेंट्री के एक शोरूम में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 11 गाड़ियां बुलानी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। चमोली से खबर है, पत्नी की हत्या करके कर दिया था अंतिम संस्कार, बेटे ने की पुलिस से शिकायत, फिर हुआ खुलासा। तो जोशीमठ कोतवाली पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी ने पत्नी की हत्या कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। बेटे की शिकायत पर पुलिस ने जांच की और हत्यारा पति चंद घंटों में गिरफ्तार हो गया।